आज 11 फेब्रुआरी और पिछले 24 घंटे में सभी जिले में ड्राई वेदर था, डेंस फॉग हुआ। हमारा नॉर्थ कोस्टल ओडिशा का भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह करके मिनिमम टेम्परेचर सबसे लोएस्ट हुआ 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड फुलवानी में। मिनिमम टेम्परेचर इंटीरियर ओडिशा में 11 to 15 इस रेंज में था मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, कोस्टल ओडिशा में 15 to 18 इस रेंज में था। और ये सभी जगह में लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमारा अभी उड़ीसा में मिनिमम टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री तक बिलो नॉर्मल चल रहा है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट रहेगा, इसमें अगला 5 दिन ही मोस्टली ड्राई वेदर ही रहेगा सभी डिस्ट्रिक्ट में। टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर अभी राइजिंग टेंडेंसी है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अगला 4-5 दिन में हमारा 3 to 4 डिग्री तक राइज करेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर भी 1-2 डिग्री राइज करने का चांसेस है। सभी जगह में इस तरह से रहेगा और अगला दो तीन दिन में शैलो टू मॉडरेट फॉग भी होने का चांसेस है, मेनली नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा और एडजॉइनिंग इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में। इंटीरियर नेक्स्ट 24 आवर्स में जैसा हमारा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा, मयूरभंज, खुर्दा, नयगढ़, कंधमाल, कालाहांडी, कोरापुट, ये सब डिस्ट्रिक्ट में शैलो टू मॉडरेट फॉग हो सकता है। डेंस फॉग का भी चांसेस है, मेनली भद्रक केंद्रपरा, कटक, जगत सिंहपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट में। भुवनेश्वर सिटी में मेनली क्लियर स्काई रहेगा। अभी टेम्परेचर आज जैसा था हमारा 15.5, 3 डिग्री बिलो नॉर्मल, बट धीरे धीरे अभी ग्रेजुअली राइज करेगा। कल 16 का आसपास रहने का चांसेस है। मैक्सिमम टेम्परेचर व डे टेम्परेचर आज 34 का आसपास होने का चांसेस है। सुबह टाइम मिस टाइप व शैलो फॉग भी होने का चांसेस है कल सुबह।